अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ सेकेंड ईयर एनाटॉमी। दिस बुक इज KLM एंड एडिशन इज 7th। वी आर गोइंग टू डिस्कस हेड एंड नेक, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ KLM, दैट इज फेस एंड स्कैल्प। If we talk about TOS, it contains one UQ and two MCQs. That's mean it is very important. Now let's start our chapter. सबसे पहले आपने ये जस्ट रीड कर लेना है। जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं साथ साथ हाईलाइट कर दी है मैंने। इम्पॉर्टेंट UQs मैं आपको बताती जाऊंगी, वाइवा क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ वी स्टार्ट। अच्छा, स्कैल्प इज इम्पॉर्टेंट UQ। व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ स्कैल्प, दिस इज इम्पॉर्टेंट UQ, ये आपने पढ़ लेने अच्छे से। स्किन, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट, ये आपने कॉन्सेप्ट के लिए देखनी है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन ही चल रही है स्कल के। अच्छा, ये मसल्स ऑफ फेस एंड स्कैल्प, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर वाइवा क्वेश्चन फॉर एंड SCQ। टेबल इज इनफ, आगे टेबल आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड ऑस्पी, ये ऐसे ही आपका ना वहाँ पे स्पेसिमन पड़ा होता है और उसके ऐसे ही यहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं मसल्स की, और आपसे पूछते हैं एग्जामिनर या आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस मसल, व्हाट इज दिस, ये ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ये आपको सारे पता होना चाहिए। अच्छा, दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट, मसल्स ऑफ स्कैल्प एंड फेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड योर SC क्वेश्चन। दिस इज कॉन्टिन्यूएशन, ये मैंने हाईलाइट, इम्पॉर्टेंट इनके फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें आपने देख लेना है क्या क्या अटैचमेंट्स हैं, ये आप देख लो, आपकी मर्जी है कि कौन कौन से मसल्स एक्सप्रेशन कौन कौन से कराते हैं। मसल्स ऑफ नोज एंड ईयर्स, ये भी आप एक दफा रीड कर लेना। नर्व्स ऑफ फेस एंड स्कैल्प, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने क्यूटेनियस नर्व्स, अच्छा ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आती हैं, UQ आपका आता है कि ड्रॉ करें क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ फेस एंड स्कैल्प, ये आपने अच्छे से देखनी है। डायग्राम्स इसकी इनफ है, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये है जी इसकी इनर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने सारी देखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी दिस इज ऑल्सो क्यूटेनियस इनर्वेशन, अगर आपको प्रॉफ में आती है ड्रॉ द क्यूटेनियस इनर्वेशन तो आप ये ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये टेबल है, टेबल इंपॉर्टेंट है फॉर योर वाइवा क्वेश्चन, SCQ भी इसमें से पूछा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूएशन। अच्छा जी, ये सारी क्यूटेनियस नर्व्स ही हैं, ये सारी क्यूटेनियस नर्व्स की डायग्राम्स है। फेशियल नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट UQ, व्हाट आर रूट्स ऑफ फेशियल नर्व, व्हाट आर ब्रांचेस, व्हाट इज इट्स कोर्स, व्हाट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिस होल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ लेते हैं वाइवा क्वेश्चन SCQ में। अच्छा ये देखो, फेशियल नर्व की वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है इसकी याद करने में ब्रांचेज, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारी ब्रांचेस से ही हैं फेशियल नर्व की। सुपरफिशियल वेस्कुलेचर, पहले हमने नर्व्स को डिस्कस किया है, नाउ इज वेस्कुलेचर, तो इसमें भी डायग्राम इनफ है। अच्छा, अगर आप डायग्राम को जहन में रखते हो तो अगर आप डायग्राम ही ड्रॉ करते हो दैट इज वेल एंड गुड। ये आप देख लो, ये वेस्कुलेचर है, दिस इज इंपॉर्टेंट UQ एंड वाइवा क्वेश्चन। टेबल है, टेबल भी आप एक दफा रीड करो, जरूर पढ़ो इसको, ठीक है। ये भी आपकी जी वेन्स है, पहले आर्टरीज थी अब वेन्स है, वेन्स के लिए टेबल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले आपसे कहते हैं कि फेस की बता दें जी वेस्कुलेचर, उसका बता दें वेन्स या उसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन, ये आपसे अक्सर पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। डायग्राम इसकी इनफ है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये भी आपका UQ है, ये भी अक्सर पूछते हैं और ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें, सरफेस एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड ऑस्पी, जब आपकी ऑस्पी होती है ना तो उसमें 10 मार्क्स का ये एक्सटेंशन होता है जिसमें सरफेस एनाटॉमी होती है, तो वो आपसे पूछते हैं सरफेस एनाटॉमी। फेस एंड स्कैल्प की अगर हम बात करें क्लिनिकल्स, ये आप जस्ट रीड कर लो अच्छे से, नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स इज इंपॉर्टेंट, ये वाइवा क्वेश्चन में पूछते हैं। सेफलोहिमाटोमा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फ्लेयरिंग अप देख लो, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक रीड कर लो, बस ये सारा रीड कर लो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट UQs। व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया एंड लियंस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन एंड SCQ ऑल्सो। इंजरीज टू फेशियल नर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना एक अच्छे से, रीड देना, इसको रीड दे सकते हो।
अच्छा जी, जैसे कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था, बीडी के भी कुछ क्लिनिकल्स अक्सर वाइवा में और एससीक्यूज में पूछे जाते हैं। अगर हम फेस एंड स्कैल्प की बात करें तो इसमें जो बीडी से इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं दैट आर हॉर्नर सिंड्रोम, बेल्स पाल्सी, स्टाई सिस्टाइटिस, एपिफोरा क्लेजियोन, डेंजरस एरिया ऑफ फेस एंड स्कैल्प, सेफलोहिमाटोमा एंड सिबेशियसिस। सेफलोहिमाटोमा यहाँ पे भी है, केएलएम में भी एंड बीडी में है, इट्स योर चॉइस, आप जहाँ से मर्जी कर लो। दीज आर इंपॉर्टेंट फिगर्स फ्रॉम योर बीडी, द फिगर 2.3 ए एंड बी, फिगर 2.5, 2.6, 2.17 एंड 2.22 ए एंड बी, ये आपने होल पढ़ लेने, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर एमसीक्यूज कवरेज चाहिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी मेडिकल ग्लोब की एक बहुत अच्छी बुक है, दैट इज पास्ट एमसीक्यूज एंड पास्ट यूक्यूज क्रैक बुक। आप उसको जरूर जरूर उसको कंसल्ट करो, उसको बाय करो, ऑर्डर करो या किसी से लेके पढ़ो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी उसको जरूर पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ace your Viva. Besides this, chapter pulls are also given, histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 663 3007. Thank you.